कैसे हैं आप सब। दिस इज मी मोहतली सारी, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट विल क्या होता है, कॉर्पोरेट विल का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्पोरेट विल जब पियर्स होता है तब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी एक अपनी अलग लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन जब कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जब इसको लिफ्ट किया जाता है, 5 जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं और 8 जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, तो टोटल 13 एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रह जाती है, उसे एक अनलिमिटेड लायबिलिटी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जब इसको लिफ्ट किया जाता है। एक वेलफेयर लेजिस्लेशन का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसे हम ऑलरेडी एक केस में कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, एनिमी कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ एनी कंपनी अगर वो एनिमी है तो तब ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है इसमें कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देती है। अब जो हमारे पास केस है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों है DCL वर्सेस CCL, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी लिमिटेड। 1960 का केस है ये, 1916 ब्रिटिश केस है। इसमें क्या होता है कि एक जर्मन कंपनी रहती है, ठीक, जर्मन कंपनी, ये हो गई कंपनी वन। एक कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट की जाती है जर्मन कंपनी द्वारा, ठीक है, ये हो गई इंग्लैंड में एक कंपनी, हो गई कंपनी नंबर 2। ठीक, लेकिन ये जो DCL कंपनी है ये होती है कंपनी नंबर 3 इंग्लैंड के अंदर ही। ये 3 कंपनी होती है। इस कंपनी का जो काम होता है वो टायर को मैन्युफैक्चर करने का होता है, टायर मैन्युफैक्चर, मोटर्स टायर जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। एंड ये जो कंपनी होती है ये इस टायर को सेल वगैरह करने का काम करती है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट है। ये कंपनी अलग काम करती है, इस कंपनी का इससे अपना अलग लिंक रहता है ट्रेड करने का। 1914 की सिचुएशन आ जाती है, यानी वर्ल्ड वार की टाइम आ जाता है। जब वर्ल्ड वार का टाइम आ जाता है तो दोनों कंट्रीज में, दैट इज जर्मन और इंग्लैंड के बीच में, एक एनिमी रिलेशन क्रिएट हो जाता है। जब एनिमी रिलेशन क्रिएट हो जाता है तो यहां पर क्या अप्लाई हो जाता है, ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट 1940, ये यहां पर अप्लाई हो जाता है। ये जो कंपनी होती है, अब ये कंपनी जो है जर्मनी के सभी शेयर होल्डर जर्मनी के हैं, इस कंपनी में सभी डायरेक्टर इस कंपनी में जर्मनी के हैं एक्सेप्ट वन। एक सेक्रेटरी होता है इस कंपनी का जो कि इंग्लैंड का होता है, बाकी सभी लोग जो होते हैं वो जर्मनी के होते हैं। ठीक है, अब जब 1914 की एनिमी जो है कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है, रिलेशन क्रिएट हो जाता है जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, ये कंपनी जो कि जर्मन रेजिडेंट द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, डायरेक्ट की जा रही है, ये कंपनी इस अलग इंग्लिश कंपनी जो है कंपनी नंबर 3 दैट इज DCL डेमलर कंपनी लिमिटेड, यहां के जो डायरेक्टर है शेयर होल्डर है वो सभी इंग्लैंड के ही हैं, इससे मांग करती है डेब्ट की जो इसने इसको इस पे निकल रहा था, इस DCL पे। ये कहती है ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट 1914 के अकॉर्डिंग मैं लायबल नहीं हूं उसे डेब्ट देने के लिए, अगर लायबल हो लायबल क्यों मैं, क्योंकि मैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट हूं। ठीक है, अगर कंपनी के बीच में एनिमी रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं तब लायबिलिटी नहीं बनती है कोई भी डेब्ट देने के लिए, टोटली प्रोहिबिट हो जाता है वहीं पर। ये कंपनी क्या कहती है जो कि जर्मनी बेस्ड रेजिडेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिसके डायरेक्टर शेयर होल्डर सभी जर्मनी है, ये कहता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी ना ही लॉयल हो सकती है, कंपनी ना ही डिसलॉयल हो सकती है, उसका अपना अलग कोई कंसाइंस नहीं है, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, उसका अपना कोई माइंड नहीं हो सकता, वो ना ही ऑनेस्ट हो सकती है ना ही डिसऑनेस्ट हो सकती है, वो तो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो आप एनिमी कैरेक्टर के बेस पर उसे कैसे जो है डिवाइड कर सकते हो, कैसे इस डेब्ट से जो है बच सकते हो। इस सिचुएशन में कोर्ट इंटरप्रेट करता है, पहले तो कोर्ट कहता है कि जो ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट 1914 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट क्या है, एनिमी कैरेक्टर क्या है, इन सब चीजों को क्या कहते हैं उसको वो इंटरप्रेट करता है। कोर्ट कहता है अगर एट द टाइम ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, अगर मतलब वर्ल्ड वॉर हो गया, एनिमी रिलेशन क्रिएट हो चुके हैं, तो ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट के अंदर जो भी प्रोहिबिट होगा, जो कि जो भी फॉरबिड होगा बाय लॉ, वो जो है
एनिमी कैरेक्टर का क्रिएशन होना माना जाएगा, एनिमी कैरेक्टर का क्या कहते हैं ना वोलेशन माना जाएगा, मतलब इस एक्ट का, मतलब जो चीज़ एनिमी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट है अगर आप उसे करते हैं तो वो इसका वोलेशन माना जाएगा, जो चीज़ उसके द्वारा प्रोहिबिट है तो वो प्रोहिबिट ही रहेगी, आप उसे किसी भी ब्याह पर जो है वैलिड नहीं बना सकते। पहली बात तो कंपनी यहाँ जो कोर्ट कहता है वो ये कहता है। दूसरी बात यहाँ पर कोर्ट कहता है कि ठीक है माना अगर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन अगर ऐसे में हम इसे परमिशन दे देते हैं इस सूट को फाइल करने के लिए और इस पैसे को मेंटेन करने के लिए, रिकवर करने के लिए इस इंग्लैंड बेस्ड कंपनी से जिसके डायरेक्टर सभी लोग इंग्लैंड के हैं, तो ऐसे में क्या होता है जो हमारी दूसरे देश की एनिमी कंट्री होगी, मतलब जो दूसरा देश होगा, जो दूसरे देश की एनिमी कंपनी होगी, उसका मोटो फिल हो जाएगा अपने द्वारा संचालित, अपने द्वारा कंडक्ट की गई किसी कंपनी को दूसरे देश में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक, उसका मोटो फिल हो जाएगा, दूसरी एनिमी कंट्री का मोटो फिल हो जाएगा, जो वो चाह रही थी वो कर देगी, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इंटरप्रेट की गई, तो ऐसे बिहाफ पर हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मान सकते, हमें ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एनिमी कैरेक्टर वी हैव टू लिफ्ट द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट। तो इस केस में जो कोर्ट है वो व्हील ऑफ कॉर्पोरेट को लिफ्ट कर देता है और सेपरेट लीगल एंटिटी के बिहाफ पर जो जर्मन डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर बेस्ड कंपनी थी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट की थी, इसने जो डेब्ट की मांग की गई थी उसको साइड रख देता है, कहता है डैम्बलर कंपनी लिमिटेड विल नॉट बी लायबल फॉर दिस एज दैट कंपनी दैट इज ये कंपनी इज हैविंग द एनिमी कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों देश के बीच में एक एनिमी रिलेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर मामला इस कंपनी के फेवर में आ जाता है। तो दोस्तों वेलफेयर लेजिस्लेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, ये था एनिमी कैरेक्टर, दूसरी जुडिशियल प्रनाउंसमेंट, जल्दी बाकी प्रनाउंसमेंट और मतलब जो भी केसेस बचे हैं उनके साथ कवर करने की कोशिश की जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज शेयर लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।